एक बार एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था, जिसका नाम था हरी। हरी खेती बाड़ी करता और अपने परिवार का पालन करता। हर साल हरी खेती से ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, पर इस साल बारिश ही नहीं हुई। बारिश न होने के कारण गांव के सभी किसान बहुत दुखी थे और वो सोचने लगे कि अगर इस साल उनकी फसल ठीक से तैयार नहीं हुई तो वो लोग भूखे मरेंगे। हरी जब भी परेशान होता वो गांव के एक बूढ़े आदमी बिरजू के पास जाता और उससे किस्से और कहानियां सुनता था। एक दिन हरी के बेटे कृष्णा की तबीयत बहुत खराब हो गई और घर में उसके बेटे को पिलाने के लिए पानी भी नहीं बचा। पानी की कमी और अपने बेटे की बीमारी की वजह से हरी बहुत दुखी हो गया। कृष्णा को बहुत तेज बुखार है, वैद्य जी ने दवाई दी है, पर खिलाने के लिए हमारे घर और आस पड़ोस में कहीं भी पीने का पानी नहीं है। आप कहीं से पानी ले आइए। हरी ये सुनकर बहुत परेशान हो गया और वो उस बूढ़े बिरजू से मिलने गया। अरे हरी, आज तू कई दिनों के बाद आया है, कैसे हैं सब लोग गांव में? बाबा बस क्या बताऊं, बारिश ना होने की वजह से सारी फसलें सूख चुकी हैं और कुओं में भी पानी खत्म हो चुका है। गांव में अकाल पड़ चुका है, मेरे बेटे कृष्णा की भी तबीयत काफी खराब है और घर में एक बूंद पानी नहीं है। इसी वजह से मैं काफी परेशान हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी बिरजू ने हरी को एक मटके में से लोटा भरकर पानी दिया और कहा, तू परेशान मत हो, ये ले पहले थोड़ा सा पानी पी ले। हरिया ने लोटे से पानी पिया और बिरजू से कहा, बाबा ये पानी तो बिल्कुल अमृत के समान है, आप कहाँ से लाए ऐसा पानी, वो भी इस अकाल के समय? बिरजू ने हरी से कहा, पहले तू कुछ पानी अपने घर ले जा, जब तू लौट कर आएगा तब मैं तुझे इस पानी का रहस्य बताऊंगा। बिरजू की बात सुनकर हरी खुश हो गया और पानी से भरा लोटा लेकर वो अपने घर पहुंचा और उसकी पत्नी तारा ने अपने बेटे कृष्णा को दवाई खिलाई। हरी को घर पे पानी लेते देख एक गांव के आदमी कमलेश ने देख लिया था, तो उसने हरी के घर के बाहर छुप कर हरी के घर से बाहर निकलने का इंतजार किया। जैसे ही हरी घर से बिरजू के पास जाने लगा तब उसे कमलेश ने पकड़ लिया और उसे पूछा कि वो पानी से भरा लोटा कहां से लेकर आया है। हरी ने उसे सब बताया। अब कमलेश और हरी दोनों ही बूढ़े बिरजू की कुटिया पहुंचने के लिए चल पड़े। बिरजू की कुटिया पर पहुंचकर कमलेश ने बूढ़े बिरजू से कहा, बाबा मुझे भी पानी की जरूरत है, आप हमें बताइए कि आप ये पानी कहां से लेकर आए हैं। बिरजू ने नम आंखों से हरी और कमलेश को देखा और कहने लगा, बेटा मैं भी कभी तुम्हारी तरह जवान था, मैं भी इसी गांव में रहता था अपने परिवार के साथ, पर एक दिन यहाँ अकाल पड़ा और पानी न मिलने से मेरी बीवी और बच्चे मर गए। बूढ़े बिरजू की बात सुनकर हरी बहुत दुखी हो गया और दूसरी तरफ कमलेश को बिरजू की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ तुम्हारी कहानी सुनने नहीं आया हूँ, मुझे सीधे सीधे ये बताओ कि तुम ये पानी कहाँ से लाए हो। बिरजू मुस्कुराया और कमलेश और हरी को अपने साथ जंगल की तरफ ले गया और वहाँ जाकर उन्होंने एक तालाब देखा। ये तालाब से तुम्हें जितना पानी चाहिए ले लो, लेकिन ध्यान रखना इसकी खबर किसी को ना हो। इतना कहकर बिरजू वहां से चला गया और कमलेश और हरी तालाब देखकर बहुत खुश हो गए और वहां से पानी भरकर अपने अपने घर ले गए। कमलेश ने गांव वालों को उस तालाब के बारे में बताया और सारे गांव वाले उस तालाब तक पहुंच गए और वहां से पानी भर भर कर ले जाने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग वहां अपनी भैंसों को नहलाने लगे और उस तालाब में गंदगी फैलाने लगे। कुछ साल बाद गांव में पानी पीने की वजह से बहुत भयंकर बीमारी फैली, जिसकी वजह से गांव के लोगों की मृत्यु होने लगी। हरी एक बार फिर बूढ़े बिरजू के यहाँ गया। बाबा उस तालाब का पानी जहर बन चुका है, जो भी वो पानी पीता है वो बीमार होकर कुछ ही दिनों में मर जाता है, क्या आपके पास कोई और तालाब है जहाँ से हमें पानी मिल सके? बूढ़ा बिरजू दुखी होकर बोला, बेटा वो तालाब तो मैंने ही बनवाया था अपनी पत्नी और बच्चों की याद में। हम इंसान बहुत ही स्वार्थी होते हैं, अपनी जरूरत के लिए हम कुदरत की बनाई हुई चीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं। मेरी बीवी और बच्चों की मृत्यु पानी ना मिलने की वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने कभी भी इस अमृत का मूल्य नहीं समझा। मैंने इसलिए तुम दोनों से कहा था कि इस तालाब को राज ही रखना, क्योंकि बाकी लोग अपने स्वार्थ के चलते कुदरत की दी हुई चीजों को सिर्फ खराब ही करते हैं, जैसे कि हमें जिंदा रखने वाला पानी या हवा। अगर लोग इन्हें प्रदूषित ना करें तो उन्हें कभी भी इनकी कमी या इनसे परेशानी नहीं होगी और वो खुशहाल रहेंगे।
हरी चुपचाप बूढ़े बिरजों की बातें सुनता रहा और अफसोस करता रहा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें पानी की कीमत को समझना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। ये कहानी इसी सदी की है। एक गर्द जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वो उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। रामू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता, तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब रामू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, रामू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वो बहुत दुखी था। चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो, आम के पेड़ ने कहा। मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता, रामू ने जवाब दिया। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है, रामू आगे बोला। माफ करो बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रामू वापस उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद रामू अब आदमी बन गया था। फिर से उस आम के पेड़ के पास वो आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, रामू बेटा चलो आओ, अरे मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, रामू ने पूछा। मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रामू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो, रामू ने पूछा। इस पर पेड़ बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वहां वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन रामू वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, आम तो कभी के खत्म हो गए। रामू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है, पर अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए, रामू ने जवाब दिया। पेड़ इस पर बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाली जड़ी है मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूं, बस आराम करना चाहता हूं, रामू बोला। पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती हैं। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रामू नीचे बैठा।
आम का पेड़ खुश हुआ और वो रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है और इंसान उस बात की कद्र तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से हमारे फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। धन्यवाद।